The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Monsoon and the most common health problems, monsoon ki सबसे कॉमन बीमारियाँ कौन सी होती है, बीमारियाँ कौन सी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपको अवगत रहना है, बचना है इस मॉनसून राइट। सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड फर्स्ट जॉट डाउन कि मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है क्या। द मोस्ट कॉमन मॉनसून में अगर टॉप फाइव हम चुनेंगे तो टॉप फाइव हेल्थ कॉमन्स होती हैं। नंबर वन इज कोल्ड एंड फ्लू, मतलब 90% लोगों को कोल्ड फ्लू होता ही होता है। दूसरी कॉमन बीमारी है मॉस्किटो, मच्छर से होने वाली बीमारियाँ जो होती है आपकी मलेरिया, डेंगी, मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस। थर्ड इज कॉलेरा, फोर्थ इज टाइफॉइड एंड फिफ्थ इज हेपेटाइटिस ए। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स वन एट अ टाइम। सबसे पहले आपको बता दें कि मॉनसून्स में जितना सारा पानी है, जितना सारा हाइजीन इश्यूज हैं, तो इस कंडीशन में इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आप अपने प्रिवेंशन पे ध्यान दें। प्रिवेंशन से बड़ा कुछ नहीं है मॉनसून में। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एनी टाइम, बट स्पेशली इन मॉनसून्स। और इनमें होने वाली जो बीमारियां हैं ये सारी प्रिवेंटेबल हैं। ये सारी बीमारियां बहुत आसानी से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले डेंगू की बात करते हैं। डेंगू सबसे एक तरीके से कॉमन खतरनाक बीमारी है, हॉस्पिटल भर जाते हैं उससे। सो वेरी वेरी मोस्ट कॉमन डेंगू है। इसमें आपका जो मॉस्किटोज हैं राइट, मॉस्किटोज से होते हैं, तो आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें राइट। अगर आपको हाई फीवर हो रहा है, प्लेटलेट काउंट लो हो रहा है, रैश हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, तो फिर दैट कैन बी डेंगी। तो डेंगी का टेस्ट आप कराएं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स अपने ऊपर लगाएं, इंसेक्ट रिपेलेंट्स प्लांट आप घर में रख सकते हैं, जो वो बहुत अच्छा आइडिया है, जिसे सिट्रोनेला आता है, इज़ अ गुड प्लांट, गुड आइडिया टू प्रिवेंट मॉस्किटो एंटरिंग योर होम राइट। और आप कपड़े जो हैं वो फुल स्लीव पहने राइट, जो आपकी पूरी बॉडी को कवर करे, स्पेशली जब आप बाहर हैं शाम के वक्त, सुबह सुबह या शाम, सूरज ढलते या सूरज उगते, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डेंगी। सेकेंड थिंग है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी मच्छरों से होता है, और ये भी वही मच्छर जब ठहरे पानी में होते हैं वहाँ पे अपने चिकनगुनिया के लार्वे देते हैं, वहाँ पे उससे होता है राइट। और ये काफ़ी हद तक कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, पौधों में गमले और जो दूसरे टायर, वाटर पाइप्स, इन सब में हो सकते हैं। सो आपको इनका ध्यान देना पड़ेगा। और ये होता है एक एडीज इजिप्शियो बाया मॉस्किटो से। और मॉस्किटो जो होता है ये आपको चिकनगुनिया वाला जो मॉस्किटो है वो दिन में और रात में दोनों टाइम कर सकता है। जैसे डेंगी का जो मॉस्किटो है वो ज़्यादातर शाम के वक्त काटता है, ये दिन रात कभी भी काट सकता है। चिकनगुनिया हुआ तो जॉइंट पेन होगा, बुखार होगा, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। लंबे समय तक जॉइंट पेन हो सकता है, और इसके लिए आपको फिर वही हर जगह रुके हुए पानी को साफ़ करना। अभी आपका घर है नहीं है, दूसरे का घर है, इतना मत सोचो। मच्छर नहीं सोचता कि मैं यहाँ हूँ तो इसी घर में काटूँगा, अगल बगल सबको काटेगा। सो इसलिए बगल वाले के वे छत पे हैं, कहीं भी पानी है ठहरा हुआ, उसको आप हटाइए उस पानी के ऊपर, नहीं तो फिर आप केरोसिन या तेल थोड़ा सा डाल दीजिए, उससे भी फ़ायदा होता है, लेकिन हटा देने से बेटर कुछ नहीं है ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट टाइम बारिश आएगी फिर वो धुल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। थर्ड कॉमन बीमारी है मलेरिया। मलेरिया भी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज के वजह से होता है, और ये भी वाटर लॉग एरियाज में पाया जाता है, जहाँ पे पानी लॉग होता है, मानसून एरिया में सबसे ज़्यादा। इसमें ठंड लग के बुखार होता है, मसल पेन होता है, वीकनेस होता है, जो मॉस्किटो मलेरिया में होता है। सबसे कॉमन, सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मलेरिया का है प्रिवेंशन। सो मच्छरों से बचना सबसे बेस्ट चीज़ है मलेरिया के लिए। अगर आपके आसपास सबको मलेरिया और आपको फीवर, तो आपको भी फिर मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट
जैसे ही बुखार होगा डॉक्टर शुरू कर देंगे तुरंत तुरंत इन तीनों के लिए ट्रीटमेंट। और सबसे ज़रूरी ट्रीटमेंट है वेल हाइड्रेशन, अच्छे से हाइड्रेशन करिए। मलेरिया के लिए तो एंटी मलेरिया मेडिकेशन चलती है, लेकिन डेंगू चिकनगुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खूब सारा पानी पीजिए, आपको हाइड्रेटेड रहना है, विटामिन सी होना चाहिए, नारियल पानी होना चाहिए आपकी डाइट में अच्छी मात्रा में, ठीक। फोर्थ सबसे कॉमन बीमारी है डायरिया। डायरिया डायरिया भैया मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से हो जाती है। सो डायरिया इज बेसिकली बॉवल डिजीज। आपने अनहाइजीनिक खाना खाया, किसी ने ठेले से खाया, वहाँ से हाथ नहीं धोया, सो अनहाइजीनिक कंडीशंस दे कॉज दिस काइंड ऑफ थिंग एंड इट्स वेरी वेरी प्रिवेंटेबल, राइट। आपको सिर्फ हाइजीनिक जगह से खाना है, हाइजीनिक खाना खाना है, अच्छे से बर्तन धोना है, अच्छे से खाना पकाना है, ऑल द वेल कुक्ड फूड खाना है, गर्म खाना है, पानी या तो बॉटल्ड पीजिए या फिर आर ओ या जो भी फिल्टरिंग मशीन होती है वैसी, प्लस टी डी एस कंट्रोल वैसी फिल्टरिंग मशीन से पीजिए, राइट, दैट इज़ मच बेटर। और बॉइल्ड वाटर पियो, अगर बहुत ज़्यादा पानी की इशू है तो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बॉइल्ड एटलीस्ट, और फूड जो है गर्म गर्म खाइए। यही एक डायरिया की जैसी ही बीमारी होती है जो फूड बॉर्न होती है, वो आपका होता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए भी लिवर को इफेक्ट करती है, इसमें आपको जॉन्डिस होगा, इसके आपके कंटेमिनेटेड वाटर लिया, इसमें आपको खाने खाने का मन नहीं करेगा, वीकनेस आएगी, येलो यूरिन होगा, आंखें येलो हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, और लिवर फंक्शन ख़राब हो सकता है, लिवर डिसफंक्शन होगा। ये सारा आपको बेसिकली हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस ए टेक्निकली तो खुद ठीक हो जाता है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट उस समय बीच में दिक्कत खाने के प्रॉब्लम होते हैं, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही होता है उसका, लेकिन वाई शुड यू सफ़र, है कि नहीं, कुछ दिन बीमारी भी। तो इसलिए हेपेटाइटिस ए को भी प्रिवेंट करने के लिए अल्टीमेट इलाज है आपका हाइजीन। सो हाइजीनिक फूड, हाइजीनिक ये घर का खाना खाइए, बॉइल्ड वाटर खाइए, कुक्ड फूड खाइए, अच्छा स्ट्रीट फूड अवॉइड करिए, ये सबसे बेस्ट वे है जॉन्डिस और इस तरह के इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने का, राइट। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आएगी उसमें वो आएगी टाइफॉइड। टाइफॉइड भी एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ये भी अनहाइजीनिक कंडीशंस के वजह से होती है। ये होती है साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैरा टाइफी बैक्टीरिया के वजह से। जिन लोगों ने सही से खाना नहीं खाया, अगेन बैड हाइजीन, बैड सैनिटेशन, सही से हाथ नहीं धोए वॉशरूम के बाद, तब भी ये फैल जाएगा और कई लोग सालों तक इसको फैलाते रहते हैं। टाइफॉइड अगर फीवर आपको होगा तो आपको फीवर होगा, हेडेक होगा, वीकनेस होगी, पेन होगा, गले में पेन हो सकता है, ये सब हो सकता है। हमेशा याद रखिए अपने पास एक हैंड सैनिटाइज़र रखिए। हैंड सैनिटाइज़र से आप अपनी हेल्थ बचा पाएंगे। जब भी खा रहे हैं हेल्दी फूड खाइए और बहुत सारा फ्लूइड्स, पानी खूब सारा पीते रहिए। इसलिए जब अगर आपको बुखार आ रहा है, अगर आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको लेना पड़ेगा, टेस्ट करने पड़ेंगे मलेरिया के, टाइफाइड के, डेंगी के, हेपेटाइटिस के, इन सब टेस्ट, यानी इनसे पता चलेगा आपको क्या बीमारी है। इसके अलावा और भी वायरल डिजीज़ेस हो सकती हैं, कई सारी वायरल डिजीज़ेस मानसून के अंदर कोल्ड फ्लू कफ ऐसे कर सकती हैं। फ्लू, कोल्ड फ्लू बेसिकली है क्या, वायरल 200 से ज़्यादा वायरसेस हैं फ्लू के पूरी दुनिया में। सो 200 से ज़्यादा है और ये क्या रहेगा, ये 3 से 7 दिन तक आपको दिक्कत करेगा, और कई बार इसमें आपको ओवर द काउंटर मेडिकेशन से या सिंपल रेस्ट और फ्लूइड से आप ठीक हो जाते हैं। फ्लू को आप प्रिवेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन डेंजरस टाइप ऑफ फ्लू जो होते हैं स्वाइन फ्लू, उन सब से आप बच सकते हो। उसके लिए आपको फ्लू शॉट्स लेने होंगे। फ्लू शॉट्स जो होते हैं वो फ्लू की वैक्सीन है, हर साल नई वैक्सीन आती है। आपको सिर्फ साल के जब भी इसकी शुरुआत में वैक्सीन ले लेनी है फ्लू शॉट उस साल का। बच्चे 6 महीने से ऊपर के बच्चे से लेके बुढ़ापे तक कोई भी ले सकता है हर साल। सो बच्चों के लिए पीडियाटिक वैक्सीन आती है, बड़ों के लिए बड़ी वैक्सीन आती है, वो सब लगा सकते हैं। इससे आप अपने आप को डेंजरस फ्लू से बचा सकते हैं। कॉमन फ्लूज आपको फिर भी हो सकते हैं, बट वो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। फिर आया कॉलेरा। कॉलेरा भी एक बीमारी है जो पानी से होती है। कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड यू नो खाना, अनहाइजीनिक कंडीशन, सैनिटरी प्रॉब्लम, इन सब से डायरिया, लूज मोशन हो जाता है जो आपका कॉलेरा से होता है। सेम जैसे हमने दूसरी चीज़ें बताई,
इवन एक गंदे पानी से अगर आप बार बार कांटेक्ट में आ रहे हो तो एक लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारी भी हो सकती है, जो वेल्स सिंड्रोम, लेप्टोस्पायरोसिस, ये होता है गंदे पानी में कांटेक्ट करने से, मक जिसे कहते हैं, और इन्फ्लामेशन हो सकता है, इसमें मसल पेन होंगे, हेडेक होगा, फीवर होगा, शिवरिंग होगा, राइट? ये खासकर अगर आपको कोई कट होता है नीचे पैर में, कोई कट है, कोई चीरा है, कोई ब्रूज है, तो उसको हमेशा कवर करके आप बाहर निकलें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आती है उस कट के थ्रू इन्फेक्शन आपके अंदर चला जाता है, राइट? पेट के इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, पेट के लिए याद रखिए आपको थोड़ा बहुत प्रोबायोटिक ज़रूर लेना है, दही हो गया, दूध हो गया, लस्सी, छाछ हो गई, और दो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रोबायोटिक अपने अंदर जाने दीजिए। गैस्ट्रो एंटराइटिस से बचाने का एक अच्छा तरीका ये है, और घर का खाना खाइए, उससे बेहतर कुछ नहीं है मानसून में, राइट? समोसे, पकौड़े, ये सब खाने में मनाही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको मना किया हुआ है आपके डॉक्टर ने। लेकिन मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इन द मानसून। और फ्लू फ्लू शॉट्स लेना है हेपेटाइटिस ए के लिए, हेपेटाइटिस बी और सी का तो आपको वैक्सीन, बी और ए का वैक्सीन तो है और सी का नहीं है, उसका भी वैक्सीन आप ले सकते हो। आपको टाइफाइड की वैक्सीन है वो ले सकते हो, उन सब के लिए आप अपने लोकल डॉक्टर से बात कर सकते हो। अनहाइजीनिक कंडीशन से बचना आपकी जिम्मेदारी है, मच्छरों को रोकना आपकी जिम्मेदारी है, और लोकल आपकी अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है। ये हुई बातचीत टॉप 5, टॉप 10 मोस्ट कॉमन मॉनसून डिजीजेस की, ठीक?